उस इलाके की बात कर लेते हैं जो अब आतंकियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। उस इलाके का नाम है पीर पंजाल। पिछले 2 साल में आतंकी पीर पंजाल के उत्तर से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गए हैं, और ये कैसे हुआ, ये इलाका कैसा है, इस रिपोर्ट में देखिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों और सरकार ने आतंकियों और आतंक के आकाओं की नाक में नकेल डाल दिया है। लाख कोशिशों के बाद भी आतंकी अपना फन उठाने में नाकाम है। लेकिन 5 दिन पहले जम्मू में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले ने सरकार और सुरक्षा बलों की नींद उड़ा कर रख दी है, और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इन आतंकियों पर कसी गई नकेल को और टाइट कैसे किया जाए। घाटी में आतंक का बना नया अड्डा। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक अलर्ट। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद पांव पसार रहा है। बीते कुछ दिनों में शांत माने जाने वाले जम्मू में एक के बाद एक कई आतंकी हमले हुए। पूरे इलाके में सुरक्षा बल अब भी हाई अलर्ट पर हैं। आतंकियों ने रियासी, कठुआ और डोडा में कई हमले किए। इन हमलों में 8 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आतंकियों ने इस हमले को अंजाम कैसे दिया। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने अपना अड्डा बदल दिया है। आतंकी दक्षिण पीर पंजाल को अपना नया ठिकाना बनाया है। आतंकी पहले पीर पंजाल के उत्तर से हमले करते थे, लेकिन 2 सालों में उन्होंने अपना ठिकाना शिफ्ट कर दक्षिण कर लिया है। आतंकी जो है ज्यादातर हाइट्स पे होते हैं, छुपे होते हैं, हर एडवांटेज उनको होता है और बार बार अपनी जगह बदलते हैं, इसलिए ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको आसानी से ढूंढ ना सके, उनका पता ना लग सके। अब समझने वाली बात यह है कि आतंकियों ने पीर पंजाल के दक्षिण इलाके को अपना ठिकाना क्यों बनाया। जानकारी के मुताबिक अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जिस तरह से यहां सुरक्षा बलों की तैनाती थी, शांत होते माहौल के बीच पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों की संख्या कम हुई और उसका फायदा सीमा पार आतंकियों ने उठाया। इस इलाके में आतंकवादियों की आवाजाही बढ़ी और यही वजह है कि घटनाएं बढ़ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि दक्षिण पीर पंजाल का कौन सा इलाका है जो आतंकियों के निशाने पर है। राजौरी, पूंछ, सूरनकोट, सुंदरबनी, नौशेरा। आतंकियों के बने नए ठिकाने से जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक टेंशन बढ़ी हुई है। इस महीने 29 जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है जो 19 अगस्त तक चलेगी। कल इसको लेकर गृह मंत्रालय की बैठक भी हुई और आतंकियों से सख्ती से निपटने का प्लान तय हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।